સુરતના બારડોલીના અસ્તાન ગામ નજીક પરપ્રાંતી મજૂરો ભરેલા ટેમ્પાને અકસ્માત નડ્યો હતો। મળતી માહિતી મુજબ અકસ્માતમાં ટેમ્પોમાં ભરેલા 21 મજૂરો પૈકી 8 મજૂરોને નાની મોટી ઈજાઓ થઈ હતી। ઈજાગ્રસ્તોને બારડોલીની સત્યાગ્રહ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યા હતા। આ તમામ પરપ્રાંતીઓ યુપી જવા માટે માંગરોળથી બારડોલી ખાતે નીકળ્યા હતા ત્યારે રસ્તામાં અકસ્માત નડ્યો હતો। બારડોલીથી તમામ ટ્રેનમાં યુપી જવા રવાના થવાના હતા પણ તે પહેલા જ તેમને અકસ્માત નડ્યો હતો। જી સર, મારું નામ બાહુદ્દીન છે। मैं मांगरोल से आया हूँ। मैं कुल्फ़ी का ही धंधा करता था, वहाँ पे कुल्फ़ी बेचता था और वहाँ से हम लोग कल की गाड़ी के लिए बुकिंग टिकट कराई थी हमने, तो वहाँ से आने के लिए टेम्पा किया था। टेम्पे से रास्ते में पलटी खा गया, लाइट बंद हो गई और गाड़ा ब्रेक लगाने की वजह से पलटी हो गया। कितने लोग थे? 21 लोग थे उसमें। कुछ किसी को लगा है? नहीं, किसी को थोड़ा बहुत तो लग ही जाता था, थोड़ा एक्सीडेंट होता। तो आप लोग वतन क्यों जाने वाले? वतन तो ये जाने, दो महीने से लॉकडाउन लगा है, कुछ खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे रहने के बाद भी क्या करना है। सरकार ने कुछ मदद? सरकार ने क्या मदद, कुछ भी मदद नहीं की सरकार ने। अभी आप लोग वापस कब आओगे? अब वापस आने का तो नाम ही नहीं है, कोई मदद नहीं करता तो क्या करे बार बार आगे। रमेश खंबाती, दिव्यांग न्यूज़, बारडोली।